उपार्जन खरीदी में गड़बड़ी के मामले में कृषक ने कराया मामला दर्ज। रेहटी क्षेत्र में उपार्जन केंद्रों के माध्यम से प्रशासन द्वारा गेहूं खरीदी की जा रही है, वहीं किसानों द्वारा उपार्जन केंद्र पर धांधली के आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के रेहटी अंतर्गत ग्राम महागांव जदीद में गेहूँ तलाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कृषक ने तुलाई केंद्र के कर्मचारी के विरुद्ध कराया मामला दर्ज। वही कृषक चंद्र प्रकाश मालविया ने बताया कि गेहूं लेकर महागांव तुलाई केंद्र पर गया था, जहां तुलाई कांटे में गड़बड़ी होने व उपस्थित कर्मचारी द्वारा तुली हुई गेहूं की बोरी के साथ छेड़छाड़ करने और कृषक को गालियां देते हुए मारपीट पर उपार्जन केंद्र के प्रबंधक व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार के द्वारा जाँच की गयी। खरीदी केंद्र पर कांटे में गड़बड़ी की शिकायत देखा गया, जिसमें 100 से 150 ग्राम गेहूं अधिक तोला जा रहे था, जिसके कांटे को ठीक कराकर तुलाई शुरू की गई। नसरुल्लागंज से संतोष मीना की रिपोर्ट। सर, ये महागांव का कोई मामला आया था, उसमें आवेदन मिला था, उसमें आपने क्या संज्ञान में लिया उसका? महागांव जदीद में किसानों के द्वारा खरीदी के जो कांटा है उसमें गड़बड़ी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों को मौके पे जाने के बाद में हमने जब चेक कराया गया तो 5 बोरी हमने चेक कराई, तो 5 बोरी चेक कराई तो 5 बोरी में 100 से 150 ग्राम गेहूँ अधिक निकला है। तो वहाँ लोकल पूछताछ की गई तो पता चला कि उस कांटे में कुछ गड़बड़ी थी, तो उस कांटे को ठीक करा के फिर तुलाई चालू करा। वैसे तो पूरी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में और सीहोर जिले में कल भी समाचार पत्रों में छपा था कि ज़्यादा गेहूँ तोला जा रहा है, और ये प्रशासन को अवगत बार बार हमने किया, मौखिक भी किया, आवेदन देने भी किया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक किसान का गेहूँ ज़्यादा तुलता है और इतनी दादागिरी, प्रबंधक महेश पवार की इतनी दादागिरी, किसान पर हमला कराता, जानलेवा हमला कराता। अगर किसान हाथ नहीं अड़ाता तो सर पर लगता, हो सकता है कि गंभीर चोट आने की संभावना। तो पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में हाल है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति की सोचने लायक बात है। नाम है आपका? चंद्र प्रकाश मालविया, मैं महागांव रहता हूँ, रेहटी से महागांव। आपके साथ क्या घटना हुई? मैं अपना गेहूँ पास जब केंद्र महागांव के उस पर लेके जब गया लाने के लिए, तो वहाँ पर जब मैंने कांटे को देखा, पहली ड्यूटी बनती है कांटा चेक कर, जब मैंने कांटा वहाँ पर चेक करा तो उस कांटे में डिफरेंस आया, फिर मैंने दूसरा कांटा चेक करा उसमें भी डिफरेंस आया, फिर जाके जो वजन का जो होते हैं तलाई का जो ठेका ले रखा उसके पास गया, तो तुम्हारे कांटों में ये डिफरेंस आ रहा है, पहले कौन से वाले में आ रहा है ये बताओ, फिर तीसरा कांटा और चेक करा उस पर 750 ग्राम का डिफरेंस आया। इसके बाद ये सूचना मोबाइल पर तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को दे दी। इसके बाद जो है उनका जो सचिव सेक्रेटरी जो है राजेंद्र प्रसाद उर्फ महेश पवार बोलते हैं उनको, वो वहाँ पर पहुँचे। जब उन्होंने उन कांटों को चेक कराया और ये मान लिया है कि इनमें 750 ग्राम ज़्यादा तुल रहा है, उन्होंने ये कांटों को सुधार दिया गया। वहाँ पर सुधारने के बाद उनका जो वजन तोलने वाला जो था उसे ये कह दिया कि अब ये लोग गड़बड़ करें तो ठोक देगा, और वो वापस आ गया। तो हम लोगों ने फिर सूचना तहसीलदार साहब को दी कि ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है और उन्होंने हमारा गेहूँ ज़्यादा तोला है। तब क्या होता है कि पटवारी साहब ने मुझसे ये कहा कि हम लोग कल वहाँ पर थोड़ा चेकिंग करने के लिए हम आएंगे, तब शाम को कहने लगे एक काम करना, वो बोरियों को अलग रखवा देना, जो ज़्यादा तुली हुई है उनकी कोई छेड़छाड़ नहीं। मेरा आधा गेहूँ मतलब तुला नहीं था, वही था रात में, मेरा हाली जो है वहाँ पर सुबह था, तो रात को जब मैं चक्कर लगाने के लिए गया तो वहाँ जो उनके हमाल वजन कर जो थे वो उन बोरियों में जिनमें ज़्यादा तुले थे वो बम्बू डाल के उनको बैलेंस में गेहूँ निकाल रहा था। मैंने जैसे जाके देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूँ, उन्होंने वो पाइप की एक राड पड़ी थी कांटे पे जो स्टैंड लगता है उसको उतार के सीधा हमला मेरे ऊपर कर दिया, एकदम से हमला किया। कहाँ चोट आई आपको? चोट कहाँ आई? हाथ लगाया, फ्रैक्चर आया। इसकी शिकायत करी आपने? मैंने FIR करा दी थाने। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने ये बोला कार्रवाई की जाएगी। अभी तो पहली बात तो उन्होंने FIR मुश्किल से की, कहने लगे हम FIR करेंगे तो आपका झगड़ा हुआ वो लिखेंगे। फिर उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की उन्होंने, तब जाकर मैंने कहा मैं गेहूँ तो लाने गया था, मैं तो उसे जानते ही नहीं, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उससे, उसने तो गेहूँ तो लाने गया था, ज़्यादा तोलने पर आप ये चल गया, तब उसने मेरे ऊपर वार किया, सर पर मार देते, सर पर चोट लगती अगर ये हाथ में लगाते, तो इसलिए मेरे